क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट लेसन है नंबर्स अप टू 10। आप जो है वन से लेकर 100 तक आप यू के जी मूवी लिखना भी जानते हैं पढ़ना भी जानते हैं, लेकिन फिर से उसी चीज़ को रिवीजन किया गया है कि आपका जो पहला चैप्टर है नंबर्स अप टू 10, अगर आपको नंबर्स जो है 1 से लेकर 10 तक लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे, इसी के बारे में आपका पहला चैप्टर है। देखिए हम लोग हर रोज कहीं भी जाते हैं, सामान लेते हैं या घर में जो खिलौने होते हैं उसको भी हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग काउंटिंग भी करते हैं कि मेरे पास कितने खिलौने। उसी तरह हम लोग कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग रोज करते हैं और उसमें काउंटिंग कहीं ना कहीं आप जरूर करते होंगे। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे समझाया गया है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल का मतलब ये होता है कि आप जो है हर रोज जो काम करते हैं उसको कई बार आप काउंटिंग करते हैं, और जब काउंटिंग करते हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलते हैं काउंटिंग। सबसे पहला जो टॉपिक है लाइफ स्किल। ग्रैनी है ये ब्यूटीफुल गार्डन, ग्रैनी के घर के अंदर एक सुंदर सा बगीचा है, छोटा सा एक गार्डन है, वो हर रोज नए नए पौधे उसमें लाकर लगाती है। अब आपको जितने पौधे आप गार्डन के अंदर लगाते जा रहे हैं उसको आपको काउंट करके काउंटिंग करते हैं, जैसे प्लांट लिखाएं, प्लांट को आप गमले में लगाएं तो उस पर 1 लिख देते हैं, फिर दूसरे महीने में दूसरा पौधा लगाएं तो उसको 2 लिख दें। इस तरह से एक साल के अंदर आप कितने पौधे लगा सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन यहाँ समझाया गया है कि देखिए ग्रैनरी है, ये गमले के अंदर एक एक पौधा वो लगा रही थी, एक साल के अंदर उसने कितने पौधे लगाए थे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए एक छोटा सा गार्डन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं, आप यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको 1 भरना है, फिर यहाँ 2 भरना है, फिर 3 भरना है, 4 भरना है, 5 भरना है, 6 भरना है, 7, 8, 9, इस तरह से 1 से लेकर 9 तक आप लिखेंगे। अब आइए कंसेप्ट ऑफ जीरो। देखिए कंसेप्ट ऑफ जीरो, देखिए जीरो का क्या मतलब होता है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जीरो को एक छोटे से सर्किट से हम लोग डिनोट करते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है ZER0। जीरो की स्पेलिंग क्या होती है ZER0। अब यहाँ पे अगर आपको जीरो के बारे में समझना तो इसके लिए छोटा सा यहाँ पिक्चर दिखाया गया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स को मतलब चित्र फिगर को देखते हुए फिगर को पहले देखिए, और देखने के बाद इससे आप क्या सीखिए उसको आप महसूस करिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है देयर आर 2 गुलाब जामुन इन द बॉल, एक कटोरे के अंदर 2 गुलाब जामुन रखे हुए हैं। एक कटोरे के अंदर मतलब एक कटोरी जो होती है घर में उसके अंदर 2 गुलाब जामुन आपने रखा। मान लीजिए कि आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, जैसे आपके घर में 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं और ब्रश करने के बाद उन दोनों बच्चों ने क्या किया, उस कटोरी के अंदर से एक एक गुलाब जामुन खा लिया। क्या कर लिया, दोनों बच्चों ने जो कटोरी के अंदर 2 गुलाब जामुन रखे हुए हैं उसको निकाल कर उन्होंने खा लिया। खाने के बाद जब उन्होंने अपने कटोरी को देखा, यहाँ देखिए पहले फिगर में क्या है, कटोरी के अंदर 2 गुलाब जामुन रखे हुए हैं, उसके बाद दूसरे फिगर में क्या है, दोनों बच्चे यहाँ खा रहे हैं, और तीसरे फिगर में क्या हो रहा है, जब खाने के बाद जब दोनों बच्चों ने फिर कटोरी के अंदर देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब कोई चीज़ किसी के अंदर रखी जाती है और उसमें से जब बाहर निकाल लेते हैं और जब वो चीज़ पूरी तरह से खाली हो जाती है तो वहाँ पे हम लोग जीरो बोलते हैं, मतलब डब्बे के अंदर कुछ नहीं है। इसी तरह घर में अगर आप बिस्किट का डब्बा है, हर रोज आप बिस्किट खा रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, घर में अगर बिस्किट खत्म हो जाती है तो फिर हम लोग दुकान से लाते हैं। इसी तरह जैसे आपके घर में टंकी होती है, पानी की टंकी रहती है, पानी की टंकी में रोज हम लोग पानी भरते हैं और नहाते वक्त क्या होता है, जैसे हम लोग टैप मतलब नल खोलते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, पानी
निकलता जाता है और लास्ट में क्या होता है, जैसे ही पानी खत्म हो जाता है तो टैंक में से पानी आना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज़ किसी के अंदर रखी गई है, उस चीज़ को जब बाहर निकाल के रख देते हैं तो वो चीज़ खाली हो जाती है, उसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं? जब उसके अंदर कुछ नहीं है तो हम लोग जीरो बोलते हैं। इसी तरह स्कूल के अंदर क्या होता है, बच्चे क्लास के अंदर रहते हैं, टीचर क्लास के अंदर आते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। अगर टीचर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो क्लासरूम क्या होता है, आपका खाली हो जाता है। अगर क्लासरूम जो होता है उसके अंदर बच्चे भी रहते हैं, टीचर भी रहते हैं, हर एक टीचर अपना आता है, अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाता है। अगर सपोज करिए कि टीचर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो रूम के अंदर जब कोई रहेगा नहीं तो कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता। अरे टीचर अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो टीचर क्या पढ़ाएगा, किसी को कुछ नहीं पढ़ा सकता है। तो जब वो जगह पूरी खाली होती है तो उसको बोलते हैं जीरो। और जीरो की स्पेलिंग होती है ZER0। उसके बाद आएंगे आप देखिए वन, वन की स्पेलिंग होती है ONE, वन होता है। फिर टू की स्पेलिंग होती है PWO, होता है। फिर थ्री की स्पेलिंग होती है THR3E, थ्री होता है। इसी तरह फोर की स्पेलिंग क्या होती है, FOUR, फोर होता है। फाइव की स्पेलिंग होती है FIVE, फाइव होता है। सिक्स की स्पेलिंग होती है SIX। सेवन की स्पेलिंग होती है SEVEN। फिर एट की स्पेलिंग होती है EIGHT। और नाइन की स्पेलिंग क्या होती है, MINE। देखिए यहाँ ध्यान से, देखिए जीरो के बाद देखिए वन आता है, वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है, थ्री के बाद फोर आता है, फोर के बाद फाइव आता है, फाइव के बाद सिक्स आता है, सिक्स के बाद सेवन आता है, सेवन के बाद एट आता है, एट के बाद नाइन आता है। इस तरह से अब स्पेलिंग जीरो की स्पेलिंग ZER0, इसको आप फाइव टाइम्स पढ़िए। कितने टाइम ऐसे बोलिए ZER0, उसको काउंट करिए। पहले देखिए, पहले आपने बोला फर्स्ट पे ZER0 वन होगा, फिर ZER0 टू हो जाएगा, ZER0 थ्री हो जाएगा, फिर ZER0 फोर हो जाएगा, और ZER0 फाइव। तो हर स्पेलिंग को आप फाइव टाइम्स पढ़िएगा। जैसे ONE, 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 ONE और ONE1। फिर टू की स्पेलिंग TWO, 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 TWO। फिर थ्री की स्पेलिंग THREE, 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 THREE,
FOUR, हमने कितने टाइम पढ़ा, 5 टाइम्स पढ़ा। इसी तरह फाइव की स्पेलिंग FIVE, वो भी 5 टाइम्स हो गया। 6 की स्पेलिंग होती है SIX, इस तरह 7 की स्पेलिंग SEBEN, 8 की स्पेलिंग EIGHT, और 9 की स्पेलिंग NIME, इस तरह से देखिए हमने 0 से लेकर 9 तक हमने पढ़ा। इस सारी स्पेलिंग को आप कम से कम 5 टाइम्स रीड करिएगा और उसको याद करिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 0 मीन्स क्या होता है, मान लीजिए 5 फिंगर है, इस फिंगर को हमने ऐसे बंद कर दिया, तो जब इस फिंगर को हमने बंद कर दिया कुछ नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे 0 की स्पेलिंग है ZERO, यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद इस मूर्ति को हमने खोला, सबसे पहले आया 1, अगर हम सबसे पहले देखिए 1 है, यहाँ पे ONE लिखा है, इस ONE यहाँ भरिएगा, इसको बुक में भी आप भरिएगा। फिर उसके बाद 1 आया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2W2 भरिएगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है। फिर उसके बाद 3 में आएंगे, देखिए 3 आ गया, तो 3 इस तरह से THRW3 हो गया, THRW इस तरह से पूरा फिलअप करेगा। 4 आ गया, FOUR4 हो गया, देखिए FOUR4 यहाँ पे काउंट करिए, 1 2 3 4 यहाँ पूरा करिएगा। 5 हुआ FIVE5, इसको भी काउंट करिए, यहाँ 5 पूरा, यहाँ नंबर भी लिखना और स्पेलिंग भी लिखना। इसलिए 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन। अब यहाँ पर ध्यान रखिए जीरो कोई नंबर नहीं होता है, जीरो मीन्स कुछ नहीं, तो जीरो को हम लोग नंबर में नहीं काउंट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग नंबर हम लोग वन से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब इसमें क्या होता है कि देखिए ये सारे नंबर वन डिजिट के हैं, सारे नंबर वन डिजिट के हैं, सारे नंबर जो है वन डिजिट के हैं। तो वन आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, क्या होगा स्मॉलेस्ट, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो वन जो होता है सबसे छोटा नंबर है, और यहाँ पे नाइन जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है, क्या होता है नाइन जो है बड़ा है, और इस पूरे नंबर में सबसे बड़ा क्या होगा नाइन होगा, ग्रेटर मतलब बड़ा और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो वन आपका सबसे छोटा नंबर है और नाइन सबसे बड़ा नंबर है। इस तरह से वन डिजिट में अगर आप हमेशा याद रखिएगा कि वन डिजिट में वन जो होता है सबसे छोटा नंबर होता है और नाइन जो होता है सबसे बड़ा होता है। इस तरह से हमने आपको दो चीज बताई, वन से लेकर नाइन तक कैसे लिखा जाता है, स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है, ये हमने आपको बताया, और जीरो का मतलब बताया। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक है मेकिंग टेन, मेकिंग टेन। अगर आपको टेन बनाना है, क्या बनाना है, अगर आपको टेन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमने देखिए यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हमने यहां पे नाइन सर्कल नाइन किया, इसको आप काउंट करिए यहाँ ब्रैकेट में नाइन, हमने देखिए आपने नाइन सर्किल बनाया, इसको काउंट किया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, देखिए हमने यहाँ नाइन लिखा। अब नाइन के बाद टेन आता है, तो आप क्या करेंगे, आपके दोनों हैंड के फिंगर में आगे टेन होता है, आपके पास देखिए नाइन तो है फिंगर, और जैसे ही आप इसमें वन ऐड करेंगे, इसमें आप जैसे ही वन यहाँ पे ऐड करेंगे तो नाइन में जैसे ही आप वन ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको टेन, इसका मतलब कि टेन बनाना है तो आप इसको नाइन में भी जैसे ही आप वन ऐड करेंगे तो टेन हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है फिगर के द्वारा, यहाँ पे देखिए ये हनी भी है, हनी भी देखिए नाइन है, इसमें जैसे वन हनी भी और ऐड करते टेन हुआ। इसी तरह टॉफी है, यहाँ पे देखिए नाइन टॉफी है, इसमें वन टॉफी हमने ऐड किया तो टेन हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए टेन इज द टेन इज द फर्स्ट टू डिजिट नंबर। देखिए जो टेन होता है वो टू डिजिट का पहला नंबर होता है, क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं वन एंड जीरो, वन एंड जीरो आर यूज टू राइट टेन। देखिए अगर आपको टेन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, टेन को लिखने के लिए आप वन और जीरो का जब यूज करेंगे और जब दोनों नंबर को एक साथ आप लिखेंगे तो टेन हो जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे वी राइट जीरो इन द वंस प्लेस एंड वन इन द टेंथ प्लेस। देखिए यहां पे जीरो जो होता है वो वंस प्लेस पर आएगा और वन जो होगा टेंथ प्लेस पे होगा।
तो इसके लिए आपको सिंपल सा कॉलम है, यहाँ पे आप दो कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले ये होता है वंस का कॉलम, क्या होता है, ये लेफ्ट से आप राइट में चलेंगे तो लेफ्ट में सबसे पहले क्या होता है वंस का कॉलम होता है, और उसके आगे जब बढ़ेंगे तो टेंस का कॉलम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वंस के कॉलम में जीरो लिखेंगे और टेंस के कॉलम में वन लिखेंगे। तो इस तरह से आपका जब इन दो नंबरों को एक साथ मिलाएंगे तो 1 0 10 हो जाता है। और 10 months, देखिए 10 months को हम लोग 1 10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 10। 10 months को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 10 बोलते हैं। जैसे आप एक पैकेट पेंसिल लेते हैं, एक एक पेंसिल को आप जब पैकेट में से निकाल के रखते हैं और काउंट करते हैं कि उसमें कितनी पेंसिल 10 निकलती है, तो 10 months का मतलब होता है 1 10। एक एक पेंसिल को जब इकट्ठा करके एक पैकेट के अंदर रख दिया जाता है तो उसको 1 10 बोलते हैं। जब दो पैकेट होगा तो 2 10 हो जाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे पैकेट बढ़ाते जाएंगे उस तरह से क्या पेंसिल बढ़ती जाएगी। तो आप याद रखिए कि 1 10, जो 1 10 होता है उसको 10 months भी बोलते हैं। दूसरी चीज कि 10 जो होता है 2 digit का सबसे पहला नंबर होता है, और 10 को लिखने के लिए हम लोग 1 और 0 का यूज करते हैं। अगर आपको 10 लिखना है तो 1 और 0, जिसमें 0 जो है आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट में सबसे पहले 0 होगा, और जब उसके और आगे बढ़ेंगे तो 10 के कॉलम में 1 आ जाता है, तो 1 0 10 हो जाएगा। देखिए आपने हमने बताया कि आपका लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो लेफ्ट में 1 1 से तो यहाँ 0 लिखिए, उसके आगे बढ़ेंगे तो 10 का कॉलम आएगा, 1 लिखिए तो 1 0 लिखिए 10 हुआ, और 10 वंस का मतलब होता है 1 10। दैट्स ऑल, थैंक यू।